फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू पीपल आर डूइंग एब्सोल्युटली सुपर डुपर फटाफटी। आज है 23rd of April 2021, समय हो रहे 9:40 रात के, तो इसीलिए समझ नहीं आ रहा मैं गुड नाइट कहूँ, हाय कहूँ, हेलो कहूँ, क्या कहूँ। खैर कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। तो मेरा जो रोटी बनाना है वो रोटी बनाना कम्प्लीट हो गया है, और अभी मैं बनाऊँगी अंडा भुर्जी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे झटपट अंडा भुर्जी बनता है। आप सभी को पता है लेकिन मुझे मेरे स्टाइल में पता है, चलिए देखते हैं। अंडा भुर्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा अनियन जिसे मैंने चॉप किया है, बड़ा टमेटो जिसे चॉप किया है, एक चिली, और यहाँ पे आ गया है एक अंडा। यहाँ पे तेल हो रहा है गरम, रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है मैंने। जैसे ही तेल गरम होगा मैं डाल दूँगी इसमें। अनियन के ट्रांसलूसेंट होते होते ही मैं डाल दूंगी इसमें टमाटो, लेकिन अभी तक ट्रांसलूसेंट हुआ नहीं, इसे थोड़ा सा फ्राई करूंगी मैं। इसमें चला जाएगा चिली। अनियन जो है मेरे हल्के से ट्रांसलूसेंट हो गए हैं, अब इसमें चला जाएगा टमाटो। और जैसे ही जाएगा टमाटो उसमें चला जाएगा सॉल्ट, सॉल्ट एज पर द टेस्ट। फिर उसमें जाएगा टर्मरिक। ये ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है, टेस्ट होना शुरू हो गया इसका। जैसे ये फ्राई हो जाएगा उसमें आपको डाल देना है पाव भाजी मसाला। मैंने इसमें डाल दिया है पाव भाजी मसाला, इसे मिला लेना है। जैसे ही डाला पाव भाजी मसाला उसमें चला जाएगा एक अंडा। इसमें डाल दिया है मैंने अंडा, इसे किधर से स्क्रैम्बल करना है अच्छे तरह से। ऑलमोस्ट अच्छे तरह से इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद आप इसे प्लेट में निकाल ले। दिखा तो मैंने आपको दिया, अभी टेस्ट करके बताऊंगी कैसे बनाएं। ये झटपट बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है, घर में अगर कुछ ना हो या कुछ खाने का मन ना हो तो जो नॉन वेजिटेरियन ईटर्स है दे कैन हैव लाइक दिस। हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज है अगला दिन, तो अभी से मैं अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ फिर से, क्योंकि कल रात बहुत हो चुकी थी इसी वजह से मैं अपनी ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पाई। और आज काम वाली नहीं आई थी, मतलब हाउस हेल्प नहीं आई थी, तो पूरा काम मुझे करना पड़ा। एक्चुअली पूरा काम मतलब आपको पता ही है, अपना घर ही होता है। जितना आप हाउस हेल्प रखो या कुछ भी रखो, कहीं पर भी हाथ पहुँच जाता है तो लगता है कि ये वाला काम थोड़ा अच्छे तरह से कर ले, थोड़ा वो काम अच्छे तरह से कर ले। तो मेरा भी यही था, और आज कमर की पूरी बैंड बज गई है। तो अभी तो सब कुछ फिर से फुल स्टॉप पर आ गया है देखा जाए तो। अभी इंसान खुद इतने सतर्क है कि वो खुद अपने आप को घर में बंद कर ले रहे हैं, तो बच्चे क्या करेंगे। तो मेरे बेटे ने बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट किया है, तो मैं चलिए आपको दिखाती हूँ। चलो, तो उसने अपने साइकिल को KTM बाइक बनाया है, दिखाओ। वाह, उसने क्या किया है, एक डिस्पोजेबल ग्लास को साइकिल के मडगार्ड पर लगाया है और पीछे वाला जो टायर है उसे रोटेट कर रहा है। बस बेटे, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहो, मुझे खुश करते रहो। अभी क्या है ना, लॉकडाउन है तो हम सब क्या करते हैं, एक साथ इकट्ठे बात करते हैं, कभी फ़ोन देखते हैं, कभी नॉवल्स पढ़ते हैं। इन्हें जितना पढ़ाना होता है उतना पढ़ाते हैं, और बाकी सब जो है
हम इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये क्या करना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं। तो इसने मुझे एक बात कही, तो इसने जो मुझे कही कि मेरे साथ तो कोई बात भी नहीं करता, कोई खेलता भी नहीं, मेरा फुटबॉल भी बंद हो गया, मेरा ड्राइंग क्लास भी बंद हो गया, पता नहीं अब ये स्कूल कब खुलेगा। दैट वर्ड इट टच्ड मी कि नहीं, मुझे भी इससे बात करनी चाहिए, इसके साथ थोड़ी बहुत फीलिंग शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये भी बच्चा है, कहाँ जाएगा, और इसके कोई दोस्त वगैरह है भी नहीं। तो अभी माँ हूँ, फ्रेंड तो बनना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा देखो ये पीरियड जो जिस पीरियड से हम गुज़र रहे हैं, ये पीरियड भी बहुत जल्दी ही गुज़र जाएगा। तो मैंने क्या किया, उस दिन से फ़ोन स्टॉप कर दिया। मैंने कहा अब स्क्रीन टाइम को मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी। तो मैं इसी से बातें करती हूँ, इसकी क्या फीलिंग्स है वो मैं समझती हूँ, सुनती हूँ, ये भी मुझे बहुत हेल्प करता है। अभी सिर्फ मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है बर्तन धोने में, ये जिस बर्तन में खाता है ये खुद ही अपने बर्तन धोकर रखता है, कहता है हाउस हेल्प अगर आएंगी तो उसके बर्तन में कोरोना हो जाएगा, तो इसीलिए किसी को वो बर्तन छूने नहीं देता है, ना मुझे, ना अपनी दादी को, ना पापा को, ना किसी को, वो अपनी बर्तन खुद धोता है। यहाँ तक कि अगर मेरी भी कोई चाय की कप रह जाती है या कुछ, वो कहता मम्मी मैं धो देता हूँ। कुछ दिन पहले तक सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर पता नहीं अचानक क्या हो गया, वापस से इस कोरोना ने कैसा रुख ले लिया। अभी हम सब डरे हुए हैं, डर डर के जी रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ ऐसा हो चुका है और हमारे आसपास में भी ऐसी घटनाएं घट रही है। जस्ट मेरे घर के दो घर बाद में ही ऐसा हुआ है कोरोना का केस, उनकी डेथ हो गई। अभी सेकेंड वेव इतना 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 भयंकर है कि इसका क्या किया जाए, मेरे पास तो कोई आइडिया ही नहीं है। अभी तो हम लोग बाहर भी निकलना बंद कर चुके हैं, मतलब मैंने भी अपने बेटे को बोला है तुम साइकिल बिल्कुल नहीं चलाओगे, आपने देखा है मेरा गैरेज बहुत छोटा है, फिर भी वो बेचारा उसी में एडजस्ट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बच्चों की बचपन छिन जा रही है। लास्ट ईयर तक कोरोना का जो वेव था, फर्स्ट वेव, तो वी टुक इट वेरी कैजुअली, क्योंकि तब मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल लो है, मुझे डर लगता है, हर वक्त मुझे डर लगता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर जाते हैं काम से और उनका काम ही होता है लोगों से घुलना मिलना, फिर भी वो बहुत डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, जितने सारे प्रिकॉशंस चाहिए वो सारे चीज़ें लेते हैं। मैंने अपने पापा को भी मना कर दिया है आने के लिए, इनफैक्ट क्योंकि मुझे नहीं चाहिए दोनों तरफ से कोई रिस्क, ना मेरे घर कोई आए, ना मैं किसी के घर जाऊं। अभी अपने अपने घर में रहना ही सेफ है। अभी पता नहीं ये कितने दिन तक रहने वाला है, क्या होगा नहीं होगा, बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं हमारे ही रिलेटिव्स में, नियर एंड डियर वंस में। परसों एक की डेथ हो गई है, उनका जाने का टाइम नहीं हुआ था, बट स्टिल ही लेफ्ट एवरीबडी, उनकी छोटी एक बेटी है, बीवी है, बहुत ख़राब लगता है ये सारी चीज़ें देखकर सुनकर। आए दिन हम सोचते हैं कि हम पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें बहुत दुखी करते हैं। तो प्लीज़ आपके घर से कोई भी अगर बाहर जाता है, जो आपके घर में अर्निंग करने के लिए होते हैं, हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई भी हो, प्लीज़ उनके लिए प्रे करें। आप सभी के लिए प्रे करें कि ये कोरोना महामारी जल्द से जल्द दूर हो जाए, और जो प्रिकॉशन प्रोटोकॉल्स मेंटेन करने हैं वो तो ज़रूर ही करने हैं। गवर्नमेंट अभी कुछ करने वाली है नहीं, क्योंकि हमें ही अपना ख्याल रखना है। हमारे यहाँ पे जोरों शोरों से वोट की तैयारी हो रही है, मंडे को हमारे यहाँ वोट है, अभी उसी की तैयारी चल रही है सब। हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज है 25th of April 2021। एज यूजुअल ये व्लॉग 3 दिन से चल रहा है और मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ और मेरे बाल इसलिए ऐसे खुले हुए हैं कि मेरे घर आए हैं एक मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जो मेरे हेयर का मेकओवर कर रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगी, आप खुद ही उनसे मिल लीजिए। आई एम रियली वेरी मच एक्साइटेड कि मेरे घर इतने बड़े, मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतने बड़े हेयर स्टाइलिस्ट मेरे घर आएंगे।
मतलब मैं तो अभी सातवें आसमान पे हूँ। तो रुकिए थोड़ी देर बाद आइए सर। आप सब उनके नाम से बहुत ही मतलब जाने पहचाने, ये देखिए जावेद हबीब साहब आ गए। वो मेरे का हेयर स्टाइल कर रहे हैं। चलो चलिए सर बताइए मेरे बाल कहाँ से उड़ाने हैं आपको, आइए। तो सर का कहना है कि मैं ऐसे बहुत सुंदर दिखती हूँ, ये स्टाइल उन्होंने मुझे दिया है मेरे कटे हुए बालों पे, जस्ट उंगली फेर के मेरे को ऐसा 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 वाला हेयर स्टाइल दिया है सर। और कुछ सर करिए, व्यूअर्स देखना देख रहे हैं, बाल उड़ा मत दीजिएगा। हाँ आइए, ये क्या कर रहे हैं, टकला बना रहे हैं क्या? यस ये क्या कर रहे हैं सर आप? सर ऐसे ही मैं गंदी हूँ क्या, और क्या करूँ सर, क्या कर रहे सर? काट डालूंगा सर, ऐसे ही बाल कटे हुए हैं। तो पता नहीं आप लोगों को मेरे बाल इसके इसके बाद वाले व्लॉग में कैसे दिखेंगे, वो व्लॉग देखने के लिए सर बालों के जुई भी निकल आएंगे सर। सर ऐसा मत करिए सर, बचे मुझे बाल है सर। ठीक है ठीक है, तुम करो ना, कल मुझे वोट देने जाना है और मैंने सोचा कि मुझे एक नया लुक चाहिए क्योंकि मैं बहुत दिनों से बाहर गई नहीं हूँ। तो कल वोटर कार्ड में मेरा जो फोटो है इसमें उसमें मेरे बाल मतलब भावनाएं गुल हो जा रही है मेरी, मतलब कल मेरे बाल रहेंगे ना सर? हाँ पहचान में आऊँगी ना, फिर पता नहीं वो लोग बोलेंगे कि क्या छप्पा वोट डालने आए हो, मार मार के मुंह सुझा देंगे सर। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपको अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे बाल सर पे रहते हैं या नहीं वो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर देखें जिसका नाम है एबीपी व्लॉग्स। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।